आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली शेरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काबरा किशनपुर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की एक महिला ने एसएसपी ऑफिस में अपने साथ हुई जाति का प्रार्थना पत्र देते हुए बताया है कि उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, पति के अंदर कमी के कारण आज तक कोई औलाद नहीं हुई है, जिसके चलते पति और सास ससुर ने षड्यंत्र करते हुए पीड़ित महिला को नशीला पदार्थ देकर देवर के साथ जबरन गलत काम करवाया है। जबकि महिला को इस बात की जब जानकारी हुई और उसका विरोध किया तो पति ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को इस बात का बताएगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। पीड़ित महिला का कहना है कि प्रार्थनी की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, प्रार्थनी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या मामला है, पूरा बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे देवर ने मेरे साथ जाति करी है, मेरे बच्चे नहीं है। मतलब मैं कमरे में थी, पहले से वो गंदी नजर रखता था, मेरे बच्चे नहीं थे इसलिए बोला चुपचाप अपना रिश्ता रहेगा, ऐसा कर लेते हैं बच्चे हो जाएंगे। और इसमें मेरे सास ससुर की मर्जी भी शामिल थी। ज़बरदस्ती ये रख करने के बाद मुझे घर नहीं भेजा, 2-3 महीने, लगभग 2.5 महीने। और कहा अगर तू बताएगी तो हम मैं अपनी जान ले लूँगा, तेरे भाइयों का नाम आएगा मार देने का। इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था। अब मैंने कहा तो शेरगढ़ थाने मैंने इस बात की इतला करी थी 20 दिन पहले। मेरे देवर ने क्या करा? गलत काम करा है मेरे साथ में। अब मैं ये सब कुछ मैं अपने उससे बताऊँ। शिकायत मैंने अपने वहाँ पे भी करी थी, मैंने सबसे, मेरा जेठ प्रधान है, मैंने उससे भी कहा, बोला चल कोई बात नहीं, घर का मैटर है, घर में ही रहने दे। कितनी बार धमकी देकर? धमकी तो मुझे मतलब 2-3 साल से ही इस बात के लिए प्रेशर डाल लेते, मगर मैं राजी नहीं थी। इस बार कितनी बार बनाया आपसे? मुझसे एक ही बार बनाया है, वो भी नशे की हालत में, मुझे कुछ दे दिया। ये पहली तारीख की बात है, पहले महीने की, जनवरी में। हाँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? 20 दिन होगा लगभग मैंने इस बात की शेरगढ़ थाने में इतला करी थी तो कोई कार्रवाई नहीं थी। नशा कैसे दिया था आपको? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला, मुझे ऐसा लगा बस खाना या चाय, मतलब मैंने ली थी उनके साथ में, इन्हीं दो चीज़ों में किसी एक चीज़ में दिया है या चाय में। करीब पति घर नहीं था, जब आया तो करी तो उन्होंने भी मतलब ये दबाव डाला, अगर कहा तो मैं अपनी जान खो दूंगा, तेरे माँ बाप पे इसका पड़ेगा असर। पति भी शामिल है आपके? हाँ, इस बात में पति शामिल है। आप क्या चाह रही हैं? अब मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? मेरी शादी को 10 साल हो गए, बच्चे नहीं है मेरे, इसीलिए सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। अब इससे महके में रह रही हैं? हाँ, मैं 4-5 महीने हो गए लगभग महके में रह रही हूँ। मुकदमा दर्ज हो गया? नहीं हो गया। वहाँ तो हुआ नहीं था, वहाँ पे मैंने जब कहा तो लोग, उन्होंने कहा अगर हम तेरा मुकदमा ये चालू करेंगे तो ससुराल वालों का जो कहेंगे वो करेंगे चालू, इसलिए मैं शेरगढ़ थाना लगता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।